अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? तो कल रात को जहाँ पे ब्लॉग छोड़ा था वहीं से आज शुरू कर रही हूँ। एनीवेज, कल तो मैं यहाँ से उठ के चली गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज आई वाज सो टायर्ड। सो वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज एक नए दिन में कहेंगे आप सबको वेलकम। इस वक्त मैं कर रही हूँ नाश्ता, माई फेवरेट थिंग, ओवरनाइट ओट्स विद बनाना स्ट्रॉबेरीज एंड वॉलनट्स। बेस्ट फ्लेवर है आई बिलीव। मुझे एप्पल सिनेमन इतना पसंद नहीं आता, ये ज़्यादा अच्छा है। एनी वेज, इफ यू वॉन्ट यू कैन हैव डेट्स और ब्लूबेरीज और वट एवर यू वॉन्ट। आई लव स्ट्रॉबेरीज सो आई लाइक इट। और आज मौसम लकीली बहुत अच्छा है, बड़ा ब्राइट सनी हो रहा है। और कल जब मैं ग्रॉसरीज कर रही थी और शॉपिंग वगैरह कर रही थी और बाहर जाना था, तो तब सही तेज़ बारिश हो रही थी। तो जी, खबरें शबरें सुन ली हैं और अब हम खुश हो गए हैं, हमारा मूड अच्छा हो गया है। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक चिकन चाउमिन। तो मैंने जो है वो चिकन चाउमिन की प्रेप्स कर ली हैं। मैंने चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, मैंने सारे जो वेजिटेबल्स हैं उनको काट लिया है, और इसमें मैंने स्प्रिंग अनियन भी काट लिया है, साथ में मैंने अनियंस भी काट लिए हैं। सो आई गेस वाई टू वेस्ट एनी टाइम। इनको मैंने हाई फ्लेम पे जिंजर गार्लिक के साथ फ्राई कर लिया था। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अनियन, ऑलिव ऑयल यूज़ किया है मैंने। ऑलिव ऑयल को थोड़ा सा गर्म किया, उसके बाद फिर जो चिकन था वो सारा मैंने उसके अंदर डाला। और मुझे जो है ना वो वेजिटेबल्स बहुत अच्छे लगते हैं चाउमिन में, तो इसलिए मैंने कैबेज, कैरेट और अनियन प्लस स्प्रिंग अनियन सब इस्तेमाल किए। अभी आपके साथ में डालूंगी आई विल शो यू। और अब हम अनियंस को सौते करेंगे, स्लाइसर से काटे हैं इसलिए ज़रा राउंड राउंड बड़े बड़े कट गए। और चिकन जो है ना उसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया है, तो बिल्कुल भी पानी कलेक्ट नहीं हुआ और जल्दी से सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया और उसने कलर चेंज कर लिया। फिर मैंने जिंजर गार्लिक ऐड कर दिया, जिंजर गार्लिक का फ्रोजन क्यूब था और वो फ्रोजन क्यूब ऐड करके मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से सौते कर लिया। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इस अनियन को सौते करेंगे, देन अपनी जो नेक्स्ट वेजिटेबल्स हैं उनको ऐड करेंगे और फिर मैं इसके ऊपर इसकी जो सॉसेस और सीजनिंग्स हैं वो ऐड करूँगी, आपके सामने ही करूँगी, सो नो वरीज। और बहुत ही यमी सा मज़े का चाउमिन जो है वो आज रेडी हो रहा है। इस वक्त भी हाई ही रखा हुआ है बिकॉज़ यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं ना, लाइक कैबेज है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है कंपैरेटिवली। पाकिस्तान में बहुत जल्दी हमारी जो कैबेज होती है ना वो सॉफ्ट हो जाती है, टेंडर हो जाती है, और मतलब उसको इतना कुक नहीं करना पड़ता, वरना तो वो बिल्कुल ही हलवा पक जाए ना उसका। लेकिन ये वाली जो है ये थोड़ी सी सख्त होती है कंपैरेटिवली, तो इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैं इसको अनियंस के थोड़े साथ ही डाल रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं रखती कि जी बिल्कुल मैं एंड में डालूँगी तो ये बिल्कुल हलवा बन जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट बिकॉज इट टेक्स टाइम, ये काफ़ी हार्ड है कंपैरेटिवली हमारे जो वेजिटेबल्स होते हैं। इनफैक्ट मैं इसमें कैरेट भी जल्दी ही ऐड करूँगी, लाइक 1-2 मिनट के बाद ही कैबेज के, बिकॉज ये इनकी कैरेट भी इतनी सॉफ्ट नहीं होती। पहले तो था मेरा प्लान था कि जो टेस्को से ग्रेटेड मिलती है मैं वही लूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ग्रेटेड वाली कल वहाँ पर ख़त्म हुई हुई थी, तो फिर दूसरी लेनी पड़ी मुझे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर खुद ही काट लेंगे उसको, मज़ीद छोटा कर लेंगे। एक वो ऑलरेडी छोटी होती है, साइजेस में काटी भी होती है, उन्होंने पील भी की हुई होती है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा और छोटा मुझे खुद करना पड़ा, बिल्कुल बारीक लाइक ग्रेटेड फॉर्म में उसको खुद लाना पड़ा। ग्रेटेड तो मैं नहीं यूज़ करूँगी, लेकिन मैंने उसको बहुत थिन स्लाइसेस में जूलियन काटा है लाइक दिस। एक्चुअली मैं पूरी फुल वाली को काटना तो टास्क लगता है मुझे, मगर ये है कि ये ऑलरेडी थोड़ी सी कटी हुई होती है तो मज़ीद इसको छोटा करना कंपैरेटिवली आसान होता है। लेकिन रमज़ान में जो पकौड़ों के लिए यूज़ कर रहे थे ना, दैट वाज द बेस्ट, जो ग्रेटेड के पैकेट्स मिलते हैं टेस्को से, वो मुझे ठीक लग रही थी। अदरवाइज बस यार वेस्ट ही होती है, क्योंकि ज़्यादा तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कैरेट, तो वो रॉ सैलड में तो बिल्कुल खाने का तसव्वुर ही नहीं है उसका, मैं तो फिर भी खा लेती हूँ। बट ही इज़ लाइक इसका कोई टेस्ट ही नहीं है, बट ये तो है कि यहाँ पे वेजिटेबल्स का उस तरह से टेस्ट तो नहीं है। और अब हम इसके अंदर अपनी कैरेट्स ऐड कर रहे हैं बिकॉज इनको भी थोड़ा सा कुक होने का टाइम चाहिए, ये भी इतनी सॉफ्ट नहीं है। तो एंड में रह जाएंगे मेरे पास सिर्फ ये जो स्प्रिंग अनियंस हैं, इनकी जो रूट्स थी वो मैंने साथ ही अनियंस के ऐड कर दी थी, जो वाइट पार्ट था, और सिर्फ जो टॉप का ग्रीन पार्ट था वो मैंने अपने पास रखा, ये हम बिल्कुल एंड में डालेंगे ताकि गार्निशिंग भी हो जाए। यू कैन सी ये मैंने साइड पे रख दिया,
और अब हम इसको, और मैं वन पॉट बना रही हूँ तो इसलिए मैं बाकी जो है ना वो अलग से नहीं कर रही चीज़ें, वरना वेजिटेबल्स को अलग सौते करके चिकन को मैं अलग से भी बना सकती थी, बट मैंने सोचा है कि नहीं ज़्यादा लंबा काम नहीं करना, वन पॉट है। मीनवाइल मेरे जो फ्रूट्स वॉश करके रखे हैं वो भी ड्राई हो रहे हैं, तो बस वो जल्दी से ड्राई हो जाए ताकि फिर मैं उनको फ्रिज में स्टोर कर सकूँ। एक तो मैं लंबा स्ट्रॉबेरीज को धोने का प्रोसेस सिखा दिया है ना हमारे सोशल मीडिया ने हमें, लेकिन पता नहीं मैंने तो दो बार ट्राई किया, लाइक आज मैंने सेकेंड टाइम ट्राई किया, बट स्टिल मुझे तो कोई ऐसा उसके अंदर नज़र नहीं आया बेनिफिट के जी बहुत ज़्यादा नीचे गन निकल रहा है और समथिंग लाइक दैट, या फिर शायद ये वाली थोड़ी सी कंपैरेटिवली साफ होती है। जैसे मैंने पलवशा कुक्स को भी सुना था कि यहाँ पे जो आता है धनिया उसमें भी वैसी मट्टी नहीं होती जैसे पाकिस्तान में, या मतलब नॉर्मल कहीं और होती होगी, बट यहाँ पे कंपैरेटिवली साफ होता है। मे बी वो उसको क्लीन करके प्रोसेस करते हैं, पैक करते हैं, समथिंग लाइक दैट। खैर एनीवेज ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, और ये थी हाफ टी स्पून, और अब इसके अंदर जाएगा सॉल्ट, तो मैं इसके अंदर वन टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून भी वैसे चल जाता, और इसको थोड़ा सा चिली फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर वन टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। अब आई आती है सोया सॉस की, तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वन टी स्पून, थोड़ी सी बाइस गिर गई है तो वन टी स्पून से ज़्यादा हो गई है, बता तो के आई बिलीव। तो अब हम इसको साथ साथ स्टर कर लेते हैं, बिकॉज मिक्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और चाउमिन में अगर वेजिटेबल्स ना होना तो वो बिल्कुल भी मज़े का टेस्ट नहीं करता। वैसे तो रेडीमेड चाउमिन सॉस भी आती है, आप वो भी लेके डाल सकते हैं, बट मैंने इस दफ़ा वो नहीं ली, लास्ट टाइम वो ली थी लेकिन मुझे लगा था कि वो काफ़ी ब्लैंड है, उसको आपको खुद ही अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस डाल डाल के एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो फिर उससे बेहतर है कि यार आप अपनी चॉइस से कर लें, बिकॉज मेरे पास ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ सॉसेज अवेलेबल हैं। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वर्सेशायर सॉस, और ये मैं डाल रही हूँ ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। वैसे अगर सोया सॉस कभी घर में ख़त्म हो जाए और ये वाली हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके, लाइक हाफ इसको लेके हाफ पानी ऐड करके इसको सोया सॉस की जगह यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ये हैक जो है वो सीखा था, आई बिलीव गूगल से ही सीखा था, लेकिन ये एक चीप ऑल्टरनेटिव था। और जब आप ये वाली सॉस डालते हैं ना तो फिर आती है घर में सही चाउमिन की स्मेल, उससे पहले नहीं पता चलता कि चाइनीज बन रही है, चाइनीज बन रहा है या रही है, अपनी मर्जी है भाई, जो दिल कर रहा है वो डालो उसको, बन रहा है या बन रही। अच्छा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून विनेगर, यहाँ पे जो विनेगर मिलता है ना इट हैज़ सच अ बैड स्मेल, मतलब हम पाकिस्तानियों को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आती, मैंने बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कंप्लेन करते देखा है। और मज़े की बात, एक दफ़ा ज़ियाद ने इस विनेगर के साथ बनाने की कोशिश कर ली, क्या कहते हैं उसको, क्या यार वो क्या होता है, पिकल्स, यस पिकल्स, एंड इट वॉज सच अ डिजास्टर। 2 टेबलस्पून के बराबर चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दी है, बिकॉज आई लव चिली गार्लिक सॉस, और अब जो है ना इसको मैं 1-2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करूँगी। सारी चीज़ें सॉसेज मैंने ऐड कर दी हैं, वेजिटेबल जो है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, लाइक इतना भी मैंने उसको नहीं मारना कि बिल्कुल डेड हो जाए, लेकिन ये है कि उसका क्रंच अभी भी बाकी है, लाइक इस फॉर्म में भी, क्योंकि ये वाली गोभी बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है, क्योंकि जब मैं इसको पकाती हूँ गोश्त के साथ तो भी इट टेक्स टाइम, ये ऐसे नहीं है कि बस ये फौरन बन जाए। करूँगी ये वाले एग नूडल्स, और ये जो है वो सिंपली स्टर फ्राई हैं, ऑलरेडी बॉयल्ड हैं, लेकिन इनका कोई बॉइलिंग शॉइलिंग का सीन नहीं है, तो बस ये जैसे ही मेरी वेजिटेबल्स मुझे लग रहा है कि हो गई हैं तो बस मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी, और हम इनको कर लेंगे एक अच्छा सा मिक्स, और उसके बाद जो हमारा जो चाउमिन है ना ये हो जाएगा रेडी टू ईट। और अगर आप चाहें तो आप इसके साथ कोई भी अपनी चॉइस की चाइनीज़ ग्रेवी बना सकते हैं, आज मैं नहीं बना रही बिकॉज आज जो है आज की डबल शिफ्ट है, तो ही वॉन्ट बी कमिंग बैक, तो कल देख लेंगे, अगर कल हमें जरूरत महसूस हुई तो वी कैन मेक
एट बाय टमोरो। तो ये भी जा रही है इस टाइम, क्योंकि कल जब तो ऑफ है तो उसके पास काफ़ी टाइम होगा घर पे इजी। और ये जा रहे हैं हमारे स्टर फ्राई एग नूडल्स, और आज जो है वो एग्जैक्ट हमारे पास आएगा जो बाजार का चाउमीन होता है ना उसका कलर, क्योंकि नॉर्मली लोग बनाते हैं स्पेगेटी के साथ एंड दैट इज़ नॉट द राइट ऑप्शन आई बिलीव। अच्छा जी, अब ये वाला लिटिल यूज़ करके मैं देख लेती हूँ कि मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर पाऊँ। गैजेट हमने पूरे जमा किए हैं कि हमें कोई सिचुएशन भी हो हम उसके अंदर अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर लें। स्टेज पे हम जो है उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद वी कैन डेफिनेटली चेक कि अगर हमें ज़रूरत है मज़ीद किसी सॉस वगैरह की। और फाइनली विद इन लाइक फ्यू मिनट्स, आई गेस हार्डली 10 मिनट्स लगे होंगे, और मैंने इसको रेडी कर लिया है। देखें इस टाइम जो है इसके ऊपर मैं ये ऐड करी हूँ, स्प्रिंकल करी हूँ इसके ऊपर ये सारे जो मेरे ग्रीन अनियंस हैं, और मज़े की यमी चिकन वेजिटेबल चाउमीन हमने कर ली है रेडी। एंड आई बिलीव कि ये जो रेडीमेड एग नूडल्स है ना, इनका बहुत बेनिफिट है रादर देन कि आप यूज़ करें दूसरे वाले स्पेगेटी। स्पेगेटी से एक तो वो वाला टेस्ट भी नहीं आता, और लास्ट टाइम जो एग नूडल्स मैंने यूज़ किए थे ना उनसे मुझे लग रहा था कि वैसा सा फ्लेवर भी नहीं आ रहा है। ये वाले जो हैं ये मुझे नज़र आए एंड आई रियली लाइक देम। तो ये देखेंगे हमारा चिकन चाउमीन हो गया है रेडी। जिस किसने खाना है जल्दी से हाथ खड़ा करे। तो ये देखें लव यमी यमी ज़बरदस्त किस्म का हमारा चाउमीन एक मिनट में रेडी हो गया। और सबसे मज़े की बात जो है इस चाउमीन की ये है कि ये बहुत क्विकली रेडी हुआ है। If something is quick, I believe वो सबसे best recipe होती है। और इस time जो है वो शाम हो गई है, और मुझे थोड़ी सी कुछ चाय कॉफ़ी वाली फील आ रही थी, लेकिन क्योंकि अब धूप निकली हुई है तो फिर गर्म गर्म चाय या गर्म गर्म कॉफ़ी पीने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। सो मैंने अपने लिए बनाई है सॉल्टेड कैरमल कोल्ड कॉफ़ी, और ये है इस वक्त मेरी कॉफ़ी यहाँ पे। और अब मैं आराम से बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूँगी यहाँ पे, और साथ ही साथ अपना काम करूँगी। और अब आपसे मिलेंगे जब मेरा काम हो जाएगा ख़त्म, बिकॉज डिनर इज़ रेडी एंड देर इज़ नथिंग मोर टू डू, सो आई जस्ट हैव टू डू माई वर्क। और अब मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, और अब आपसे मुलाकात होती है काम के बाद। सो इस वक्त धूप का टाइम है, सो मैंने साथ धूप में यहाँ पर अपनी सेटिंग बनाई है। सो यहाँ बैठ के मैं अपना इवनिंग स्नैक और कॉफ़ी इन्जॉय करने वाली हूँ। कॉफ़ी तो मैंने उसको साइड में रखा ताकि वो गर्म ना हो, बट यहाँ पे मैं इस वक्त धूप में चेयर पे बैठूंगी और आराम से ज़रा सन बातें करूँगी। हेलो गाइस, तो मैं इतना बिजी हो गई थी कि मुझे भूल ही गया कि मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, और बस उसके बाद इस वक्त ऑलमोस्ट रात के 10:15 हो रहे हैं, और मैं अपना काम करने लग गई थी। एंड देन बस मैं अपना काम करती रही, और बस बीच में एक दफ़ा मैंने घर पर थोड़ी सी बात की अपनी मामा के साथ, एंड बस थोड़ा सा अभी मैं टीवी देख रही थी। सो मुझे एकदम से याद आया कि यार मैंने तो अपने व्लॉग में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया आगे। सो दैट वाज अबाउट माय डे, आई स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, और उसके बाद बस इसी तरह सारा दिन चलता रहा है। और बस इस वक्त मैं आराम से बैठ के थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, और फिर प्रॉब्ली आई विल गो टू स्लीप, बिकॉज पिछले 2-3 दिन से मुझे लग रहा है कि मेरी नींद जो है ना वो ज़्यादा पूरी नहीं हो रही, मैं रात को काफ़ी देर से सो रही हूँ। सो सी टुडे आई हैव अ प्लान टू स्लीप अर्ली, तो बस भी थोड़ी देर के लिए मैं टीवी देखूंगी, रिलैक्स करूंगी, एंड देन आई विल गो टू स्लीप। और इस टाइम ऑलमोस्ट रात के 3 बजने वाले हैं, एंड आई फिनिश्ड माय वर्क एंड नाउ आई एम अबाउट टू स्लीप। सो आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, फिर मिलेंगे कल, टेक केयर, बाय।